उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के हड़िया में गुरुवार को उमरी मनोहरपुर स्थित सेंट थॉमस स्कूल में ईसा मसीह के जन्मोत्सव के मौके पर क्रिसमस महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थॉमस उत्थुप संस्थापक एवं प्रधानाचार्य सेंट थॉमस स्कूल सुरुयावा रहे। कार्यक्रम का निर्देशन विद्यालय के प्रबंध निदेशक वीके रेज्जी, प्रबंध टीना रेज्जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना एवरी टाइनी स्टार से किया गया। बच्चों द्वारा समूह नृत्य क्रिसमस गीत, गुलेरिया गीत, यीशु पैदा हुआ गीत, जिंगल बेल गीत तथा प्रभु यीशु के जन्मोत्सव तथा आधारित अत्यंत ही मनमोहक नाटक की प्रस्तुति दी गई। नाटक के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह की कार्यशैली एवं उनके उद्देश्य को प्रस्तुत किया गया, जो लोगों के उपस्थित बीचों के एक नया अध्याय जोड़ा गया। बच्चों के अति प्रिय तथा बहुप्रतीक्षित सेंटा क्लासेज की अद्भुत व आश्चर्यजनक उपस्थिति ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम की भव्यता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संगम से आए आगंतुकों एवं दर्शक एवं छात्र छात्राओं का मन मोह लिया। हर साल की तरह इस बार भी हम लोगों ने क्रिसमस का कार्यक्रम 23 दिसंबर को अपने विद्यालय में मनाया। बच्चे और हमारे टीचर स्टाफ सभी लोगों ने बहुत मन से इस क्रिसमस प्रोग्राम को मनाने में हम लोगों का सहयोग किया। बच्चे खास तौर से सांता क्लॉज का इंतज़ार करते हैं हर साल, हर साल की तरह इस बार भी बच्चों ने सांता क्लॉज का बड़े ही मन से, बड़े ही खुशी के साथ सांता क्लॉज का स्वागत किया और बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भी हमारे बीच में थे। उन्होंने इसके बारे में बताया कि प्रभु यीशु मसीह का दुनिया के आगमन के उद्देश्य के बारे में हम सबको बताया। इस तरीके से पूरी दुनिया के लिए क्रिसमस सचमुच एक खुशी का त्यौहार है, ये सभी का त्यौहार है। सब लोग मिल करके बहुत खुशी और आनंद के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। बच्चों के अंदर छिपे हुए टैलेंट को बाहर निकाल कर उन्हें बेस्ट बनाने का आपके विद्यालय को महारत हासिल है, क्या कहेंगे आप? जी, हम लोग बच्चे तो असल में वो मिट्टी के बर्तन है, वो मिट्टी जैसे ही है। आपने कुमार जिस तरीके से मिट्टी को अलग अलग शेप दे करके अलग अलग तरह के बर्तन बनाते हैं, उसी तरीके से ये कच्चे मिट्टी हम लोगों के हाथ में मिला हुआ है। इन बच्चों को आगे बढ़ाना, इनकी अंदर की जितनी प्रतिभाएं हैं उसको पूरी तरीके से बाहर निकालना, वो चाहे पढ़ाई के माध्यम से हो, अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से हो, किसी भी तरीके से हो, हम लोग उस प्रतिभा को बाहर निकालने का भरपूर प्रयास करते हैं। इसमें हमारे पेरेंट्स, जो हमारे गार्जियन हैं, जितने लोग हैं वो लोग भी काफ़ी हमारा साथ देते हैं, भरपूर हमारे साथ देते हैं। यह पूरी हंडिया की जनता का मैं इस समय धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरा वो हमारे साथ सपोर्ट करते हैं, हमारे सहयोग करते रहते हैं। ओके। एवरी ईयर सेंट थॉमस स्कूल हंडिया सेलिब्रेट्स क्रिसमस डे ऑन 23rd। दो क्रिसमस इज ऑन 25th, वी द स्कूल सेलिब्रेटेड ऑन 23rd एवरी ईयर। दिस ईयर वी हैड अ स्मॉल सेलिब्रेशन बिकॉज ऑफ द कोविड एंड अदर प्रॉब्लम्स दैट प्रिवेल्ड द कंट्री लास्ट 2 years। Jesus Christ came to the world as the savior of mankind, and we, the Thomsites, the children of St. Thomas School and the staff, we are so happy, and we celebrated it every year, and we are so happy that there is a school in Handia Tahsil that gives proper education, quality education, and looks after every need of the children. We pay attention to the safety and security of our children, that is the first concern, then education, because we believe that it is only through education that can liberate people. Jesus said, I will liberate you from all bondages, no, I will lead you from darkness to light, and we know that the only way to lead oneself from darkness to light is only through education. And the St. Thomas family, the management, our directors are Mr. Vikar Reggie and our chairman, Ms. Tina Reggie, we are all doing all our level best to give the quality education to the children, and we are so happy to share the joy and happiness of Christmas with all of you. So wish you all a Merry Christmas and a very, very bright New Year. Thank you. What are you in this school? Introduction. Yeah, our direction is we tell the children, everybody has got a talent, everybody has got talent, everybody is talented. You have to find out your talent, and we try to find out the talents and the quality in each and every child. Everybody may not be very good in studies, but he or she has got some quality. We try to find out what is that quality, and we nurture it so that he or she may choose his own path or her own path and be successful in life. Your name, please? My name is Matthew George, Principal St. Thomas School.